हे वेलकम टू गाइस, मैं बोल रहा हूँ आपका अपना जेरी भाई। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके लेके आया हूँ एक और नई मजेदार वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे प्रो बन सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके शेयर करूंगा, जिसके साथ आप काफी जो है बेहतर खेल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की मजेदार वीडियोज लाता रहूंगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा तो गाइस, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपके लिए क्या है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके साथ आप जो है बहुत अच्छा खेलने लग जाएंगे अगर आप उनको फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड आपको पता ही है, देखिए अब मैं दीवार के पीछे था तो मुझे अभी एक शॉट कैसे लगा। अबे हैकर, अबे हैकर, अबे हैकर नहीं है ये, पिंग का इशू। अरे अरे पिंग का इशू, अबे ये क्या होता है रे पिंग? अरे पिंग का इशू ये होता है भाई, समझ रहे, हम जितने पिंग्स कम होंगे उतनी जल्दी डेटा ट्रांसफर होगा। जिस तरह के सड़क पर ट्रैफिक कितना होता है, अगर ट्रैफिक कम होगा हम जल्दी निकल जाएंगे, अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो हम बहुत देर से निकलेंगे। वही एग्जांपल ये है हमारी। तो जितने पिंग्स कम होंगे उतना रश कम होगा और उतनी जल्दी जो हमारा डेटा आएगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो बंदा इधर है। अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन ही लेट मिलेगी, हमें वो अगला मार के हमारे सामने आएगा और मार के भी चला जाएगा, हमें लगेगा कि अभी वो आया ही नहीं। और हम दीवार के जिस तरह के हम पीक करते हैं या दीवार के उस पास खड़े होते हैं और हम अचानक से गोली पड़ते हैं दीवार के पीछे हो जाते हैं। अबे वाले कर, अरे वाले कर, अरे दीवार से गोलियां आ रही है। अबे दीवार से गोलियां नहीं आ रही है, अरे ये पिंग का इशू है, हैकर नहीं। अरे भाई ठीक है, फिर ये इशू बनता है हमारा। तो बस आपने ये कोशिश करनी है कि आप कवर टू कवर खेलें। तो पहले तो आपने जो है अपना उसको जो है एक मौका देना मारने का, और मौका देते ही आपने पीछे हो जाना। जब तक उसकी मैगजीन नहीं खत्म होती आपने बेस्ट मौका ढूंढना। जब उसकी मैगजीन खत्म हो जाए या वो गन चेंज कर रहा हो तो अब वही सबसे अच्छा मौका होता है उसको मारने का, तो उसी टाइम जो आप अच्छा उसको किल कर सकते हैं। तो यही बेस्ट मौका होता है। तो आपने बस ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे मौका होता है, वो आपने यही ढूंढनी है। अभी देखिए मैं इस तरह जा रहा था तो अचानक से मुझे जो है गन्स की गोलियाँ लगी, तो फिर भी अभी कवर टू कवर खेलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अभी देखिए अभी मैंने वो जो है इंजेक्शन लगाया था तो एनर्जी वाला, तो इसलिए मैं बच गया। अभी देखें अभी मैंने पीक किया और अचानक ये हेडशॉट। तो बस आपने हेडशॉट ही खेल, हेडशॉट जब तक आप लगाना नहीं सीखेंगे तो आप इतना अच्छा नहीं खेल सकते। तो मैं ये ट्यूटोरियल लाऊंगा स्नाइपर ट्रेनिंग का भी, जिससे आप जो है हेडशॉट जो है काफ़ी हद तक अच्छा खेल सकते हैं। तो कुछ सेटिंग्स में मैं बताऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो सेम सेटिंग कर लेना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एमिंग के दौरान और आगे पीछे, तो काफ़ी हद तक जो है ये भी हेल्प करेगी आपकी। तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो स्नाइपर ट्रेनिंग की भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि आपने कवर टू कवर खेलना, क्योंकि अगर आपके पिंग अच्छे नहीं है तो आपको पता ही है पाकिस्तान में पिंग्स का इशू बहुत है, 250-300 से अबव भी पिंग आते हैं। तो मर मर के कभी कभार जब काफ़ी अच्छा नेट हो तो 150-200 से नीचे आते हैं। तो मेरे तो भैया हर वक्त 200-250-300 इस तरह होते हैं पिंग। तो कब आजकल तो मेरे, जब मैंने वीडियो ये रिकॉर्ड पहले की है, अब तो मेरे पिंग बहुत हाई आ रहे हैं, तकरीबन काफ़ी दिनों के 800-800 के करीब पिंग आ रहे हैं। 800 पिंग पे बंदा खेले क्या भाई, खुद बताओ। तो यही वही मसला है, अब क्या कर सकते हैं भाई, पाकिस्तान है। तो बस ये थोड़ा सा मसला है, अगर पिंग से इशू हमारा क्लियर हो जाए तो भाई क्या ही बात है। तो चाइनीज़ वगैरह इसलिए हैं ये ज़्यादा प्लेयर होते हैं क्योंकि इनके पिंग्स बहुत कमाल होते हैं। पिंग्स जब तक इनके हमारे अच्छे नहीं होने लगे हमने जीतना क्या कहा का भाई। तो आपका मैंने एग्जांपल दिए काफ़ी अच्छी एग्जांपल के, ट्रैफिक वाली एग्जांपल ले लो, ये जब तक ट्रैफिक कम नहीं होगा तो पिंग्स का इशू नहीं ठीक होगा, क्योंकि ट्रैफिक में जिस तरह ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो गाड़ी को जाने में मसला होगा। पिंग्स कम होंगे, ट्रैफिक कम होगा तो गाड़ी को जाने को आसानी होगी। तो यही एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है आपको मैंने। तो इसी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, और मेरे से जो है दिमाग में और अच्छी एग्जाम्पल आ नहीं रही, वरना मैं आपको वही दे देता। तो फिलहाल इसी से गुजारा करें। तो यही होता है पिंग्स का जो काम, और इसका और कोई काम नहीं पिंग्स का, सिर्फ गेमिंग के दौरान। इसीलिए पिंग्स बहुत जो है अहमियत रखते हैं, क्योंकि उतनी जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होगा जितनी जल्दी वो पिंग्स कम होंगे। अबे जेरी ये तो घनी चौकी बड़ी भाई बात है रे, अबे पिंग्स का भाई चक्कर कैसे ठीक होगा? अबे जब तक पाकिस्तान में PDCL अबे पिंग का इशू नहीं ठीक होगा, ठीक है ना भाई? फिर तो भाई भूल ही जाओ पिंग्स को, ठीक है? तो
स्पीडी सेल जब जाएगा फिर देख लेंगे, जब फाइबर ऑप्टिक्स आएगा हमारे इधर तो फिर हो सकता है कि भाई कुछ अच्छा हो जाए, वरना तो भाई बोल ही जाओ पीडी सेल के होते हुए। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी जो है मेरी स्नाइपर ट्रेनिंग वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको जो है ज़रूर स्नाइपर ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बना के दूंगा। तो आप भी जो है हेडशॉट लगाने लग जाएंगे, आपके भी हेडशॉट जो है काफ़ी बेहतर हो जाएंगे पहले की नस्बत। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊँ स्नाइपर ट्रेनिंग पर और बेस्ट एमिंग के लिए कि आपकी एमिंग कैसे अच्छी होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि ऑफलाइन गेम में मैं किस गेम को स्टार्ट करूँ, तो मैं मुझे कुछ गेम्स सजेस्ट कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन गेम्स पर जो है मैं सीरीज स्टार्ट करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।